सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई सा भी शॉमी का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप अपने स्क्रीन को लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद फिर ऑन करते हैं तो यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन बार देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है कि बाद में कोई भी आपके डाटा को जो है ऑन कर सकता है, या फिर आपके जो है फ्रेंड क्या हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ़ भी कर सकता है, या फिर हॉटस्पॉट्स आपका यूज़ कर सकता है, या हो सकता है आपके फ़ोन को म्यूट भी कर दे। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसे किस तरीके से ऑफ़ करना है। तो चलिए सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो मैं तो अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो रेडमी का 6A फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी सारे रेडमी के डिवाइस में भी सेम ऐसा ही ऑप्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन में, यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर आने के साथ ही आपको सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, शो ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपने नोटिफिकेशन को लॉक स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल। ये ऑलरेडी इनेबल रहता है तो इसे मैंने डिसेबल कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं हम बैक, और बैक आने के बाद फ्रेंड यहाँ पर तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा, बट अगर आप अपने स्क्रीन को लॉक करते हैं इस तरीके से, स्क्रीन को लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद मैं अगर स्लाइड करता हूँ नीचे, तो नीचे तो स्लाइड नहीं हो रहा, ऊपर स्लाइड हो रहा बट नीचे अब स्लाइड नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसे अगर खोल लेते हैं तो खोलने के बाद जो है फ्रेंड आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक ज़रूर दे देना क्योंकि मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।